तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानशु अग्नोत्री एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। आपका जो क्लास इलेवेंथ है उसका एक चैप्टर है जीओसी। क्लास इलेवेंथ चैप्टर कौन सा है? जीओसी मतलब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका ये एक छोटा सा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट पहली बात तो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, यानी कि अगर ये मॉलिक्यूल में आ गया तो थ्रू आउट द रिएक्शन ये रहेगा। ठीक है, अब ये होता क्या वो समझ लेते हैं, कितने टाइप का होता है वो समझ लेते हैं। भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम कोई कार्बन चेन ले लें या फिर ना भी ले कार्बन चेन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एचएफ का मॉलिक्यूल ले लिया, तो भाई देखो अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास है, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर इन्होंने क्या करा, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। लेकिन यार क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से, क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्लोरीन के पास रहेगा ही और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, फ्लोरीन खींच लेगा। अब इस वजह से होगा क्या, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इसी फिनोमिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। बेसिकली इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ। ध्यान रखना पॉजिटिव और निगेटिव नहीं लिखेंगे, पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव लिखेंगे, दैट मीन बॉन्ड ब्रेक थोड़े ना हुआ है। अब एक बात समझो, इंडक्टिव इफेक्ट बेटा दो टाइप का होगा। देखो इंडक्टिव इफेक्ट आपका जो है वो दो टाइप का होगा, एक होगा अपना प्लस आई इफेक्ट और एक होगा हमारा माइनस आई इफेक्ट। अब ये प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, क्या होगा और क्या ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल में होंगे या फिर ये अलग अलग होंगे, वो भी समझ लेते हैं। तो भाई देख लो, इफेक्ट एक ही है जो कि है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई और माइनस आई एक ही मॉलिक्यूल में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन से इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो जो ऐसा एलिमेंट होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वो शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और जो कमजोर है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है वो शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि माइनस आई और प्लस आई एक ही मॉलिक्यूल में साइमल्टेनियसली चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माइनस आई कहीं अलग से आएगा, प्लस आई कहीं पे अलग से आएगा। हाँ, डिपेंड करेगा कौन कौन सा ग्रुप लगा है, जैसे बहुत सारे ग्रुप भी मैं दिखा दूंगा, एक ही मॉलिक्यूल में प्लस आई भी होगा उसी में माइनस आई भी होगा। आप सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो किसी कार्बन चेन से, या मान लो कार्बन जो है वो किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हाइड्रोजन या फिर और कोई एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो अगर ऐसा होगा भी तो अगर एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, और मैंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो प्लस आई। सो आपको क्या समझ में आना चाहिए यहाँ से, कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक ही है, प्लस आई और माइनस आई, और प्लस आई और माइनस आई किसी भी मॉलिक्यूल में एक साथ होंगे। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसे हटा देता हूं मैं। देखो भाई, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें कार्बन चेन की, ठीक है, अगर मान लो मैं क्या कहता हूं कि यहां पे एक हम लोग मॉलिक्यूल ले ले कि सी 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 एंड सी एंड सी, और इससे लगा दो कोई एटम एक्स। ठीक है, अब देखो दो केस बनेंगे बेटा यहां पे। एक केस तो ये हो सकता है कि मान लीजिए ये जो आपने एक्स लगाया है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, इस वाले कार्बन से। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से तो क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो किसका हो गया, एक्स का, और कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो भी किसने खींच लिया, एक्स ने, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गए, यहां पे। तो इसके ऊपर चार्ज कैसा जनरेट होगा, पार्शियल निगेटिव, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, प्रॉपर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर चार्ज कैसा आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो भाई, आज के टाइम पे क्या होता है पता नहीं, होता नहीं होता है, हाँ, लेकिन मान के चलो जो अच्छे लोग होंगे वो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो कार्बन था ये एकदम कंगाल हो गया, कंगाल का मतलब ये भिकमरा हो गया, या कह दो पैसे की तंगी आ गई, ये वर्ड सही रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं इस कार्बन के पास पैसों की कमी हुई, तो इसने क्या करा, अपने पड़ोसी से मदद मांगी, यार जो इसके रिश्तेदार होंगे पड़ोसी होंगे उनसे ही तो कहेगा, अपने नेबर्स से, तो इसने कहा कि भैया यार मेरे पास रुपए की कमी है, हेल्प कर दो। तो ये क्या बोल रहा है, कह रहा हम हेल्प तो करेंगे बट उतनी नहीं करेंगे जितनी तुमने इसकी कर दी है। मतलब समझो, देखो यहां पे भी बेटा इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इस कार्बन का, इस कार्बन का, तो कह रहा है कि इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है, तो ये कह रहा है कि मैं आपकी हेल्प तो करूंगा बट मैं उतनी नहीं करूंगा जितनी आपने की है। कह रहा आपने पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैं दे दूंगा, चलो यहां पे इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, ठीक है, उतना शिफ्ट नहीं करूंगा इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या, इस पे जो चार्ज जनरेट हुआ पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव आया, डबल पार्शियल पॉजिटिव, मतलब ये कि जितना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने उधर शिफ्ट कर दिया था उतना इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ये वाला कार्बन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस तो करेगा बट उतना नहीं जितना इसने किया। अब क्योंकि भैया इसने भी कुछ तो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेसमेंट किया ही है, तो ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये अपने पड़ोसी से कहेगा कि भैया कंगाली आ गई है थोड़ा सा मदद कर दो, तो ये क्या कहेगा,
अगेन वही चीज, कहेगा भैया देखो एक इलेक्ट्रॉन आपके पास था, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, मैं आपकी हेल्प तो करूंगा लेकिन मैं उतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा बट कितना कि थोड़ा सा बस इधर भेज दिया, समझ रहे हो आप। तो यानी कि इसके ऊपर चार्ज जनरेट होगा ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव, और जैसे ही इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, ये वाला कार्बन क्या करेगा, अपने पड़ोसी से मदद मांगेगा, और ये वाला पड़ोसी क्या करेगा, मना कर देगा, ये क्या करेगा, मना कर देगा, ठीक है, ये कहेगा भैया हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तीन कार्बन के बाद वैनिश हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारा सिर्फ तीन कार्बन तक ही एप्लीकेबल होता है, यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इन चार्जेस में अगर बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया डेल पॉजिटिव, डबल पार्शियल पॉजिटिव एंड ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव में ज्यादा चार्ज कौन सा जनरेट हुआ है, तो आपको पता है कि ये वाला चार्ज ज्यादा जनरेट हुआ है। मतलब ऐसा मत समझ लेना यहाँ पे तीन बार है तो ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। तीन बार का मतलब क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम डिस्प्लेस किया, बट किया है। तो आई होप तुम लोगों को ये बात बेटा समझ में आ गई होगी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब एक बात समझो, हमने क्या बोला था कि प्लस आई और माइनस आई एक ही मॉलिक्यूल होंगे। अगर ये वाला एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, कार्बन से, देन कार्बन, तो मैंने क्या बोला ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। तो ये कौन सा शो कर रहा है, माइनस आई। और ये जो पूरी की पूरी बची हुई कार्बन चेन है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को भेजा है, ये कौन सा शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। तो आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, बताओ बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे कि भैया ये वाला क्या करेगा, माइनस आई, ये वाला क्या करेगा, प्लस आई। अच्छा चलो इसी का एक और सिचुएशन ले लेते हैं। मान लो आपने क्या करा, फिर से एक बार कार्बन की चेन ड्रॉ की और इससे फिर से मैंने एक बार एक्स लगा दिया, ठीक है। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मान लो कि इस बार जो ये आपका एक्स है ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, इस कार्बन से। मान लेते हैं कि ये कैसा है, ये आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन कार्बन एटम। ये जो कार्बन से जुड़ा उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा अपनी तरफ, कार्बन खींचेगा। तो होगा क्या कि एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास है पहले से ही था, इसका इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा, मतलब क्या हो गया, यहां पे आ गया। समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो पार्शियल पॉजिटिव, इसने लिया तो पार्शियल नेगेटिव। अब एक बात बताओ, जब इस कार्बन के पास गरीबी आई थी, ये कंगाल हो गया था, पैसों की तंगी आई थी, तो इसके पड़ोसी ने इसकी मदद की थी कि नहीं की थी। तो यार अगर ये रिच हो रहा है तो इसका क्या फर्ज बनता है कि अपने पड़ोसी की मदद करे, लेकिन कितनी करेगा, जितनी उसने उस टाइम की थी उतनी तो करेगा। कहने का मतलब अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी कार्बन को भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई देगा, कहेगा भैया ले लो इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके ही पास है, इस वाले कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा शिफ्ट कर देगा इसकी तरफ, कहेगा ले लो, लेकिन थोड़ा सा ही शिफ्ट करेगा। रीजन बीइंग कि भैया जब उसे जरूरत थी तब तुमने भी तो थोड़ा सा ही शिफ्ट किया था, समझे कि नहीं समझे। सिमिलरली जब इसे बेटा दिक्कत होगी, ये कहेगा सॉरी दिक्कत नहीं, अब तो रिच हो गया ना, तो कहेगा कि जब मैं गरीबी में था जब मुझे दिक्कत थी जिसने हेल्प की थी, तो अब ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी वाले को शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई देगा। लेकिन बेटा एज यूजुअल जैसा इसने करा था कि कम सप्लाई दी थी, ये भी वापस से कम रुपए ही खर्च करेगा, तो यानी कि इस पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, बिल्कुल है, बट क्या ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब इस कार्बन को जरूरत पड़ी थी रुपए की तो भैया इसने मना कर दिया था साहब कि हम तुम्हारी कोई भी तरीके की हेल्प नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली ये भी क्या करेगा, मना कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं निगेटिव होगा, ठीक। तो आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, जैसा प्लस आई वर्क करेगा वैसे माइनस आई वर्क करेगा, तीन कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट वैनिश हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कौन सा शो करेगा, प्लस आई। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो कौन सा शो करेंगे, माइनस आई। कौन करेगा, ये पूरी कार्बन चेन। बताओ बात क्लियर हुई, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्लस आई भी होता है और उसी के अंदर माइनस आई भी होता है। अब देखो, हाँ बट अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो कि भाई प्लस आई के कुछ हमारे ग्रुप हैं और माइनस आई के कुछ ग्रुप हैं, आप इन्हें याद कर लो। जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ माइनस आई की, माइनस आई सबसे ज्यादा कौन करेगा, तो ध्यान रखना NO2 सबसे ज्यादा करता है, फिर CN करता है,
फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फ्लोरीन, देन ओएच। ये ऑर्डर रहता है किसका, माइनस आई का इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करें प्लस आई सबसे अच्छे से कौन सा करेगा, तो ये वाला करेगा, फिर ये वाला करेगा, फिर ये वाला करेगा, फिर ये वाला, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड फिर नॉर्मल मिथाइल ग्रुप। अच्छा ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लो। देखो बेटा प्लस आई का मतलब क्या हुआ, देखो एक चीज समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक सी एस थ्री, ये सी, एक सी एस थ्री ये वाला हो गया एंड एक सी एस थ्री हो गया ये वाला, मान लेते हैं इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर क्लोरीन जुड़ा है तो हमें पता है कि क्लोरीन जो है एक हेलोजन है, और हेलोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं किससे, कार्बन फैमिली से, या फिर कहते कार्बन से, या कहते हेलोजन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरी पीरियोडिक टेबल के। तो भैया ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब पार्शियल पॉजिटिव यानी कि कार्बन के ऊपर कहीं ना कहीं बेटा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, और अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है दैट मीन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो ये स्टेबल कब होगा, एक बात बताओ। जैसे मेरे पास मान लो 1 करोड़ रुपए थे, ठीक है, और हमें फॉर एग्जाम्पल 80 लाख की गाड़ी लेनी है, मान लो मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू कुछ है, ऑडी लेनी, फॉर एग्जाम्पल ऑडी ले लेते हैं चलो, कि भाई हमारे पास 1 करोड़ रुपए हैं और हमें 80 लाख की क्या लेनी है, ऑडी लेनी है, तो हम कब ले पाएंगे। दो कंडीशन दे रहा हूं, एक तो तब जब मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए हैं और 80 लाख की हमें कार खरीदनी है, दूसरा तब जब मेरे पास बैकअप में 1 करोड़ एक्स्ट्रा पड़ा है और 1 करोड़ मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, किस कंडीशन में लेना पसंद करूंगा, दूसरी वाली में। क्योंकि अगर मैंने 1 करोड़ का 80 लाख इन्वेस्ट भी कर दिया तभी भी मेरे पास 1 करोड़ बैकअप में 20 लाख इधर से बच गए, कितना बचा, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। और पहली वाली केस में क्या होता, मेरे पास 1 ही करोड़ रुपए थे और हमने 80 लाख की कार खरीद ली, तो उसमें बचा क्या, 20 लाख रुपए। तो कहने का मतलब मैं देखूंगा स्टेबिलिटी कब ज्यादा आ रही। तो एक बात बताओ बेटा, ये तीनों ग्रुप, ये वाला सी एस थ्री, ये वाला सी एस थ्री, ये वाला, या कहते हम एल्काइल ग्रुप जो होता है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये कैसे ग्रुप होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो एक बात बताओ, अगर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है उससे आप कैसे ग्रुप लगाना पसंद करोगे कि वो स्टेबल हो जाए, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप चाहोगे कि इसे इलेक्ट्रॉन मिले, तो इसका मतलब हम लोग डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे। तो अगर इसके पास जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे ये उतना ही स्टेबल होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी एंड देन मिथाइल। आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेटा यही है, बाकी इसके और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ ध्यान रखना, इट इज अ डीएनपी रूल, मतलब इट इज अ मतलब इफेक्ट जो डीएनपी रूल को फॉलो करता है। डीएनपी का मतलब होता है डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। देखो डिस्टेंस, देन नंबर एंड देन पावर, जरा समझ लेते हैं ये कहानी क्या है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दो मॉलिक्यूल दे दिए गए, पहला फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है CH3, CH2, CH2 एंड फ्लोरीन, ठीक है। दूसरा मान लो लिखा हुआ है CH3, CH2, ठीक है, एंड CH2, और इस पे लगा हुआ क्लोरीन। अब हमसे पूछा जाए इन दोनों में से माइनस आई किसका ज्यादा होगा, या पूछा है इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, तो भाई देखो सीधी सी बात है, यहाँ पहले कार्बन पे कौन लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पहले कार्बन पे कौन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। और हम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है किससे, क्लोरीन से, यानी कि इसका जो है इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा इससे, क्लियर है। अच्छा दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल मान लो कार्बोकैटायन बना देते हैं, चलो एक कार्बोकैटायन वाला क्वेश्चन कर लें। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, मैंने बोला CH3, CH2 एंड CH2 पॉजिटिव, और मान लो आप ठीक है इतने ही रखते हैं, एक और ले लेते हैं कि भाई CH3 ये हो गया C, एक ये हो गया CH3 और ये CH पॉजिटिव। अब कहता है कि बताओ यहाँ पे मान लो लगा देते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, यहाँ पे कुछ नहीं लगाते हैं, कहते बताओ जो स्टेबल स्टेबिलिटी तुमसे पूछी जाएगी, ये वाला स्टेबल है कि वाला स्टेबल है। तो भाई देखो पहली चीज, अगर स्टेबिलिटी पूछी जाए तो अगर मान लो यहाँ पे फ्लोरीन नहीं भी लगा है तब भी बेटा ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यार ये तो 1 डिग्री हो गया, कार्बोकैटायन सिर्फ एक ही साइड चेन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री है, और अभी हमने पीछे देखा कि 1 डिग्री वाले स्टेबल नहीं होते, स्टेबल कौन सा होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसे देने वाले दो दो लोग बैठे हुए हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशियंसी को क्या करेंगे, कम कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी बढ़ा देंगे, है ना, यहाँ पे क्या है एक ही पूरा ग्रुप माना जाएगा। ये मत देख लेना कि यार दो दो कार्बन लगे, दो दो कार्बन से मतलब नहीं है, डायरेक्टली कितने कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच्ड है उन्हें हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। तो स्टेबिलिटी के मामले में कौन जीत जाएगा, ये वाला जीत जाएगा। तो आई होप तुम लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।